गाइस, अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो आपको हॉरर मूवी देखना भी पसंद होगा। इसके पसंद किए जाने के कई कारण हैं। हॉरर मूवी में जितना थ्रिलर, रोमांच और सस्पेंस देखने को मिलता है उतना शायद किसी और मूवी में हो। तो आइए देखते हैं दुनिया की 5 सबसे डरावनी मूवियों के बारे में, जिन्हें अकेले में देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, द रिंग। यह फिल्म वर्ष 2002 में आई थी। यह फिल्म अमेरिका फिल्म है। इस मूवी की कहानी वास्तव में 16वीं शताब्दी की एक असली जापानीज घोस्ट की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी एक टैप पर आधारित है। इस टैप को जो भी कोई देखता है वह 7 दिनों में ही मारा जाता है। नंबर 4, द टेक्सास चेनसो मैसेकर। यह एक दिल दहलाने वाली मूवी है। यह मूवी आधारित है सैल फ्रैंकलिन और उनके 3 दोस्तों पर, जिनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और वे अपने दादाजी के घर जाते हैं। एक एक करके उन्हें एक चैनसो चलाने वाले हत्यारे और उसके मनोरोगी परिवार द्वारा उन्हें सताया तथा मार दिया जाता है। इस मूवी के कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। नंबर 3, द कॉन्जरिंग। यह मूवी फैमिली के फार्म हाउस में चल रहे असामान्य घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म एक जिसमें एक घोस्ट द्वारा उस फैमिली को परेशान किया जाता है। नंबर 2, हेरेडिटरी। 2018 में रिलीज हुई यह मूवी एक अलौकिक मनोवैज्ञानिक हॉरर मूवी है। इस मूवी में एक फैमिली होती है जिसमें एनी नाम की लड़की की मां का निधन हो जाता है। एनी की मां की आत्मा पूरी फैमिली को सताती है और यह मूवी बेहद खतरनाक मूवी है। नंबर 1, द एक्सोसिस्ट। द एक्सोसिस्ट अब तक की सबसे डरावनी मूवी है। 26 दिसंबर 1973 का दिन जब यह मूवी रिलीज हुई, इसने मूवी थिएटर में तहलका मचा दिया था। इतनी हॉरर मूवी आज तक नहीं बनी। इस मूवी को देख उस वक्त कई लोग इतनी बुरी तरीके से डर गए थे कि उन्होंने इस मूवी के खिलाफ कंप्लेन भी कर डाली थी। एक लड़की जिसमें बुरी आत्मा का वास होता है और एक पादरी ही उसे निपटा सकता है, लेकिन वो आत्मा भी उस पादरी की हर कोशिश को नाकामयाब करने में पूरी तरह ताकत झोंक देती है। सो गाइस, क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।